गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर साइंस क्लासेस, दैट इज जीके साइंस क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज द कैपेसिटर। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम जो है आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है कैपेसिटर। देखिए इसमें क्या है, ये टॉपिक जो है देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इससे जो है हर वर्ष जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लें या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लें। तो देखिए उसी को जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, देखिए कैपेसिटर। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो बेसिक टर्म है हम उसको क्लियर कर देते हैं। देखिए हमने क्या है, जो जितने भी देखिए मेटल्स हैं या फिर हम कहेंगे जितने भी मटेरियल हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के बेस पर हमने जो मटेरियल है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। इसलिए फर्स्ट इज द कंडक्टर, यानी द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। देखिए कंडक्टर यानी सुचालक। देखिए क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आसानी से गुजर जाए वो कहलाते हैं हमारे कंडक्टर। और देखिए अगर हम इनके एग्जांपल के बारे में बात करें, एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, तो मेटल्स चाहे वाटर, ह्यूमन बॉडी एंड एक्सेट्रा, ये सभी देखिए क्या है जो कंडक्टर होते हैं उनके एग्जांपल। मेटल्स यानी सभी धातुएं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी क्या देखिए कंडक्टर्स होते हैं। टैप वाटर नल का पानी क्या है, कंडक्टर, यानी एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा जो है कंडक्टर है। और ह्यूमन बॉडी यानी हम लोगों का शरीर जो है वो भी क्या है एक इलेक्ट्रिसिटी का पास होने का क्या है अच्छा सोर्स है, यानी इसमें से भी क्या है आसानी से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो जाता है, इसलिए हम इसको भी कंडक्टर कह सकते हैं। देखिए अगर किसी भी मेटल की अगर हम बात करें, कंडक्टर में क्या होता है, यानी देखिए एक बात याद रखनी है आपको, यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है, यानी जो सब्सटेंस है ये मिलकर बने होते हैं, देखिए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स डेट आर नोन एज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रल, यानी इन पर देखिए नेगेटिव चार्ज होता है, इन पर पॉजिटिव, इन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए अगर हम बात करें, यानी जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या है, देखिए जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फ्री रहता है, पॉजिटिव चार्ज जो है फ्री नहीं रहता। यानी नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एज ए चार्ज कैरियर वर्क करता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एज ए चार्ज कैरियर का वर्क करते हैं, यानी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए अगर हम मेटल के केस में लें, जो मेटल हैं उनके अंदर क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफ़ी होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है, देखिए उनको जब हम थोड़ा सा भी क्या है देखिए पोटेंशियल देते हैं, थोड़ा सा भी क्या है देखिए एनर्जी देना शुरू करते हैं, वैसे क्या है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं देखिए फ्री टू मूव हो जाते हैं, यानी चलना शुरू कर देते हैं। यानी अब देखिए जो फ्री टू मूव हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, वही क्या करते हैं चार्ज को कैरी करने का काम करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। और देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन के मूव की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी देखिए
और जो प्रोटोन होते हैं ये अपनी जगह पर फिक्स कर रहते हैं, ये जो है मूव नहीं करते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एज ए चार्ज कैरियर जो है काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है देखिए लूजली बाउंडेड रहते हैं आउटर मोस्ट सेल के, जो क्या आसानी से क्या करते हैं देखिए फ्रीली हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और यही क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जो है चार्ज को कैरी करते हैं। इस तरह से जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर क्या है इलेक्ट्रिकल जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर आर द अपोजिट ऑफ द कंडक्टर्स, यानी द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट पास इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। देखिए ऐसे मटेरियल जिनके अंदर क्या है देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पास ना हो सके, जो आसानी से पास ना हो सके वो कहलाते हैं हमारे इंसुलेटर। देखिए उसका कारण यह है इनके अंदर चार्ज क्यों पास नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो इनके आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा बाउंडेड रहते हैं, इसकी वजह से वो आसानी से फ्री नहीं हो पाते, आसानी से जो मूव नहीं कर पाते, इसकी वजह से क्या उनके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते। चार्ज कैरियर नहीं होंगे तो चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इनके अंदर से फ्लो नहीं हो पाता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें प्लास्टिक रबर ड्राई वुड डिस्टिल वाटर ये सभी देखिए जो इंसुलेटर है उनके एग्जांपल है, क्योंकि इनके अंदर क्या है देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता। जैसे कि देखिए प्लास्टिक रबर सूखी लकड़ी और डिस्टिल वाटर आसुक्त जल। देखिए अब हम बात करें अगर डिस्टिल वाटर कौन सा होता है, तो डिस्टिल वाटर होता है देखिए अगर हम वाटर को हीट कर देते हैं, हीट करेंगे तो ये वेपर में हो जाता है, यानी वाटर वेपर। अगर हम इस वाटर वेपर को दोबारा से ठंडा कर देते हैं कोल्ड, तो ये क्या हो जाता है दोबारा से वाटर में बदल जाता है। देखिए हमने पानी को गर्म किया तो पानी भाप प्राप्त हुई, अब इस पानी की भाप को अगर हम ठंडा करके पानी में बदल देते हैं तो जो पानी हमें क्या है पानी की भाप से प्राप्त होता है उसी को हम क्या है डिस्टिल वाटर बोलते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। जो रेन वाटर होता है वो भी क्या है डिस्टिल वाटर होता है, और जो प्योरेस्ट फॉर्म है सबसे ज़्यादा जो प्योर पानी है वो क्या है डिस्टिल वाटर ही होता है। ये तो होता देखिए, और जो इंसुलेटर होते हैं इनको हम डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, इंसुलेटर आर ऑल्सो नोन एज डाइइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर आर ऑल्सो नोन एज डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक देखिए जो इंसुलेटर होते हैं उनको हम डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए डाइइलेक्ट्रिक्स भी ऐसी होते हैं क्योंकि जैसे हम क्या है ना कोई चार्ज देते हैं तो चार्ज जो है उनकी सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, ना कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। सिंपल वर्ड में बात करें जैसे इंसुलेटर के अंदर चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, वैसे क्या है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी क्या है जो चार्ज है वो फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए क्या है इंसुलेटर को हम जो डाइइलेक्ट्रिक्स है वो भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस
capacitance of a conductor is the meter of its ability to hold electric charge. देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, यानी विद्युत धारिता. देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी धातु की वह योग्यता है जिसके द्वारा वो अपने अंदर क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है स्टोर करके रखता है. यानी देखिए कोई मेटल जो है कितना चार्ज रोक सकता है, कितना चार्ज जो है अपने अंदर इकट्ठा कर रख सकता है, इसी योग्यता को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं. और इसको जो है हम देखिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी. और अगर सपोज मान लेते हैं दिस इज द कंडक्टर और हमने क्या करा इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया. अब क्यू चार्ज देने पर क्या है इसका जो पोटेंशियल था वो क्या है देखिए बी जो है राइज कर गया, बी जो है इंक्रीज हो गया. तब हम कह सकते हैं देखिए क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. इट मीन्स जितना चार्ज हम इस कंडक्टर को देंगे उतना ही क्या है पोटेंशियल भी बढ़ेगा. और अगर सपोज मान लेते हैं चार्ज कम कर देते हैं तो पोटेंशियल भी घटेगा. यानी ये क्या होता है देखिए जो पोटेंशियल है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एक पोटेंशियल की वैल्यू जो है चार्ज पर डिपेंड करती है. अब इस प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे कॉन्स्टेंट लेंगे, दिस इज द सी वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट. सी यहां पर एक कांस्टेंट है जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं. अगर इस फॉर्मूले को हम क्या देखिए सी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन बी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. इसको हम देखिए इस तरह से जो है हमने लिखा है, इस फॉर्मूले के बेस पर हम इसके डेफिनेशन दे सकते हैं. दस the ratio of charge to potential is called capacitance. यानी जो चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है उसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं. इस फॉर्मूले के वजह से हम इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं. यानी अगर हम देखें यूनिट ऑफ सी यानी कैपेसिटर तो सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी. यानी यूनिट ऑफ चार्ज यानी कूलम अपॉन यूनिट ऑफ बी यानी वोल्ट. तो इसकी हम कह सकते हैं जो चार्ज कैपेसिटेंस है इसकी यूनिट हो गई कूलम पर वोल्ट. अब देखिए 1 कूलम पर वोल्ट बराबर होता है 1 फैरड. तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है उसकी यूनिट जो है फैरड भी होती है और कूलम पर वोल्ट भी होती है. अगर हम इसकी देखिए स्मॉल जो स्मॉल यूनिट्स होती है उनकी बात करें तो 1 माइक्रो फैरड यानी म्यू एफ इज इक्वल टू होता है 10^-6 फैरड. वहीं 1 पिको फैरड यानी पी एफ इज इक्वल टू 10^-12 फैरड. देखिए अगर हम क्या है जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर सपोज मान लेते हैं देखिए कोई बड़ी दूरी है तो उस बड़ी दूरी को नापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं. छोटी होती है तो मीटर, उससे छोटी होती है सेंटीमीटर, उससे छोटी मिलीमीटर, ये सब प्रयोग करते हैं. वही क्या है देखिए अगर कोई कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है
तो उसको नापने के लिए हम फैराड का प्रयोग करेंगे। अगर कोई कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस छोटा है, बहुत कम है, तो उसको नापने के लिए क्या करते हैं, माइक्रो फैराड या पीको फैराड का प्रयोग करते हैं। 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10^-6 फैराड के, वहीं 1 पीको फैराड बराबर होता है 10^-12 फैराड के। इस तरह से क्या देखें हम छोटी जो कैपेसिटी है किसी कंडक्टर की, उसको मेजर करने के लिए क्या हम छोटी जो यूनिट्स है कैपेसिटेंस की उसको प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी यानी कैपेसिटेंस। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्यू अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं और इसको हम आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए हम जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू होता है ए टी, यानी इसको हमने निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी, आई फॉर करंट, टी फॉर टाइम, यानी आई की डायमेंशन होती है ए, टी की होती है टी, तो इसलिए क्या हमने क्यू की डायमेंशन निकली ए टी। अब क्या है बी की डायमेंशन निकालनी है, बी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब डब्ल्यू क्या है बर्डन, बर्डन की यूनिट निकाल लेते हैं। देखिए बर्डन होता है कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू। अब फोर्स की जो डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, वहीं डिग्री यानी डिस्टेंस है, डी की होती है एल अपॉन क्यू की हो गई ए टी। सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने पर अगर दोनों को हम ऊपर भेजते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर माइनस में हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं और डिवाइड में माइनस हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा एम एल, एल एंड एल जोड़ने के बाद हो गई पावर टू। ऐसी क्या है, देखिए टी ऊपर भेजेंगे पावर माइनस में हो गई, माइनस भेजने के बाद देखिए दो पहले से थी, एक नीचे आने पर माइनस में हो गई माइनस के थ्री, एंड ए ऊपर जाने पर माइनस। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू वो सॉरी वी। इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं दोनों को, यानी सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू का कितना है, क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला है ए टी, वहीं बी का है अभी फाइंड क्या है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब क्या है देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए नीचे वाले को दोनों को ऊपर भेज देते हैं, सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी टू एम एल टू टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन। देखिए जब ऊपर भेजते हैं तो क्या होता है इन सभी के साइन जो है चेंज हो जाते हैं, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये प्लस थ्री, ये माइनस के, ये प्लस के वन। इन्हें क्या सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉर्ट आउट करते समय क्या है देखिए एम माइनस वन, एल माइनस टू, टी ये रहा देखिए थ्री और वन ये रहा टी फोर, ए रहा जुड़ गया ए टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए प्यारे बच्चों आई थिंक ये टॉपिक जो है आपके क्लियर हो गया होगा। अगर आपको देखिए किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।